देख लिया गवार बहू को घर में लाने का नतीजा है, खून चूस लिया तूने हमरा। कहा हम इतने बड़े हवा महल में मखमली गद्दे के ऊपर ऐसे ऐसे लोट पोट के सोते थे, खटमल से भरी चारपाई के ऊपर कुजा कुजा के मर के नींद भी नहीं आ रही। ए कमिया, ए सो गई मर गई। बड़ी दादी ऐसा मत कीजिए, वो गहरी नींद में सोई है, नींद टूट जाएगी उनकी। हाँ, उसकी तो नींद टूटेगी, हमारी नींद का क्या, हमारी नींद तो उड़ गई। हमारे पास ना एक रामबाण इलाज है, ऊपर आसमान में देख के तारे गिने, एक एक करके गिनेंगे तो अपने आप नींद आ जाएगी। अच्छा कोशिश करते हैं। एक तारा। अब आपको भी तारे गिनवाने पड़ेंगे। अब रुकिए। ये लीजिए, ये ठंडा पानी पियेंगे तो आपका गला और दिमाग दोनों ठंडा हो जाएगा, फिर आपको अच्छे से नींद आएगी। भाई हम उन दोनों का पीछा करते हुए उस घर को देख आए हैं जहाँ पर वो शहरी लोग ठहरे हैं। मजे की बात तो ये है कि वो सिर्फ दो शहरी औरतें नहीं हैं, बल्कि पांच शहरी लोग हैं। इसका मतलब बहुत सारा पैसा और बहुत सारे जेवरात मिलने वाले। तो फिर देर किस बात की, आज ही उन शहरियों पर हमला बोल देते हैं। चलो चलो। नंदनी इस मुश्किल वक्त में भी हमें एक बात की खुशी है कि तुम हमारी बहू हो। हमें तुम पर गर्व है बेटा, तुम्हारी वजह से हमारे पास छत ना होते हुए भी हमारा परिवार चैन की नींद सो रहा है। पहले हवेली के जाने के बाद हम सबके जीवन में खालीपन आ गया हो, लेकिन फिर भी तुमने हम सब के पेट खाली नहीं रहने दिए। तुमने हम सबको खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर भी दिया। हम कोई साधु महात्मा नहीं है, लेकिन हम सच्चे दिल से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम हमेशा खुश रहोगे। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा प्यार बड़े से बड़े मुसीबतों को भारी पड़ेगा। दादी माँ, जब तक आप हमारे साथ हैं ना, हमें कोई भी मुसीबत छू तक नहीं सकती। चलिए अब आप जल्दी से सो जाइए और सोचना बंद कीजिए। हाँ सोचे कैसे ना बेटा, हम यहाँ कब तक रुक सकते हैं? ये तुम्हारा मायका है, हमारी बहू का मायका है, यहाँ इतने दिनों तक रहना सही नहीं लगेगा। और बाकी तुम इन दोनों को तो जानती हो, बेकार फिर से हंगामा शुरू कर देंगे। दादी माँ आपके पास वैसे कोई दूसरी हवेली या घर नहीं है क्या? हाँ है ना, एक हवेली है। कौन सी हवेली? नहीं नहीं कोई हवेली नहीं, खुद वैसे ही हमारे मुंह से निकल गया। ठीक है कोई बात नहीं, अब सो जाइए। दादी मैं से कौन सी हवेली की बात कर रही है? इसका नाम लेते ही वो इतना परेशान हो गई। ये हमारे मुंह से क्या निकल गया? उस हवेली में तो वो रहते हैं। नहीं हम उस हवेली में कभी नहीं जाएंगे। बहुत माल लग रहा है इनके पास तो। नहीं, हमें
परिवार के गहने वापस लाने होंगे। पकड़ना होगा उन चोरों को। हमारे परिवार के गहने चुरा के भाग रहे हैं लोग। इनकी तो आज खैर नहीं। सासू अब सर दुख रहा है। आपके गले का हार कहाँ गया? सासू माँ मेरा भी नेकलेस। हमारे गहने कहाँ चले गए? फोन भी नहीं है। ज्योति तुम्हारा भी नहीं है? नहीं। नंदनी, नंदनी दादी, नंदनी घर में नहीं है। क्या? अरे आकाश बा, देख लिया, ये गवारन के गांव में आके रहने का नतीजा, हम तो लुट गए हैं, बर्बाद हो गए। बड़ी दादी दो मिनट शांत रहेंगी प्लीज। अरे ये भूखे नंगे लोग धोखे बाज होते। बड़ी दादी बस दो मिनट शांत रहिए, मुझे कुछ सोचने दीजिए। दादी दादी मुझे लगता है नंदनी किसी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन संभाल के जाना बेटा। आज तो हम माला माल हो गए। देखो चुपचाप हमें हमारे गहने लौटा दो, लौटा दो हमें। अगर नहीं लौटाएंगे तो क्या करेगी? हमें मारेगी तू? लगता है आज ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। पहले पैसा भेजा और अब लड़की। देखो अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा ना तो इसकी टांगे तोड़ देंगे। किसान की बेटी है, तुम जैसे जानवरों को इंसान बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। पढ़ो इसे। अपने घर छोड़ो, मैं छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ो हमें इंसान बनाएगी तू? ले बना इंसान। नंदनी, नंदनी जरूर नंदनी उन चोरों के पीछे गई होगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। हाय ये हुसन। ये तो बड़ी सुंदर है री। खबरदार जो मैं हाथ लगाए गाल उधेड़ देंगे तुम्हारी। पीछे रहो। ये बंदी बहुत खतरनाक है, इसके साथ उलझने का मतलब मुसीबत को छूना। जल्दी से इसे जान से मारो और सामान लेकर चलते बनो। नहीं नहीं नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो। तुम्हारी तरफ आंख उठाने वाले की आंख नोच लूंगा मैं। मत पीछे। तुम्हें हीरोइन बनने का बहुत शौक है, डर नहीं लगा तुम्हें? इतनी रात को इन चोरों से मुकाबला करने आ गए,
तुम्हें कुछ हो जाता तो? हमारे जो पति है ना, जिन्हें हम प्यार से अंग्रेजी हीरो बुलाते हैं, जब तक वो हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। इसीलिए चले आया। चले चलो। इतना समय निकल गया, अब तक नंदिनी और आकाश आए क्यों नहीं? कहीं कोई मुसीबत में न फंस गए हो? आई सुमित्रा, हम तुझे बता रहे हैं, तेरी चोर बहू ना अब तक तो इतनी दूर भाग गई होगी हम सबके गहने लेकर, आकाश बा के हाथ में नहीं आने वाली हो। नंदिनी आ गई बड़ी दादी। और आप नंदिनी को चोर नहीं दिलेर बोलिए, क्योंकि ये अपनी दिलेरी से उन चोरों से आप लोगों के गहने लेके आई है। नंदिनी को चोर बोलने से पहले हजार बार सोच लीजिएगा। भले ही नंदिनी कम पैसे वाली है, लेकिन इसकी ईमानदारी बड़े बड़े पैसे वालों से कई गुना ज्यादा है। हे भगवान, शुक्र है सबके गहने मिल गए। हम इस तरीके से हमारे परिवार को गांव में नहीं रहने दे सकते, यहाँ बहुत खतरा है। हमें ना चाहते हुए भी हमें लगता है हमें बड़े हवेली जाना ही होगा। क्या कर रही है? क्या कर रही हो तुम? मटका बना। मुझे तो लगता था तुम सिर्फ मुझे आकार दे सकते हो, लेकिन तुम तो इस मिट्टी को भी कितनी बखूबी से आकार दे रही हो। मुझे भी सिखाओ ना। हाँ जरूर। हाथी जी, इसे हल्के हाथों से ऐसे दबाइए। तो आकाश और सुमित्रा चाची दोनों के दिल पे कब्जा कर लिया। कब तक पता नहीं इस झोपड़े में रहना पड़ेगा, इस गर्मी को झेलना पड़ेगा। इस चंटू रानी पे तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अभी सबक सिखाती हूँ इसे। जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा। हाँ, हाँ, हम लाके।
इससे पहले डॉक्टर साहब शहर वाले अस्पताल पे लीजिए, हमें उन्हें जल्दी बुलाना होगा। हमें बड़ी दीदी की तबीयत बहुत खराब हो गई, हमें बहुत जरूरत है आपकी, चलिए ना हमारे साथ। ठीक है चलिए मैं चलता हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर साहब आ गए। इन्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा। डॉक्टर क्या हुआ इन्हें? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अब वो सही है। कुछ दिनों तक आप अच्छी तरह से इनकी देखभाल कीजिए। इस वक्त इनके दिल की हालत बहुत ही नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, इन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। मुझे तो लगता है सासू माँ को हवेली से निकलने का बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए उन्हें ये हार्ट अटैक आया। देखिए आप सब लोग बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। आइए आइए डॉक्टर साहब। मुझे तो लगता है अगर सासू माँ यहाँ गाँव में रही ना, पक्का यकीन है वो जिंदा ही नहीं बचेंगी। क्या करूं मैं अब? मेरे जी रूप, आपकी आंखों में ऐसे आंसू का है? ये आंसू नहीं, लाचारी है। घर का बेटा होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बड़ी दादी की तबीयत खराब है और मैं उन्हें एक अच्छे से घर में भी नहीं ले जा पा रहा हूँ। दादी पता नहीं कितना दौड़ भाग करेंगे, अब तो मुझे खुद पे शर्म आने लगी है। कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ जेठानी जी को? वो बड़ी दादी को फिलहाल डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, बोला कि अगर बड़ी दादी को हम अच्छे घर में नहीं ले गए तो वो स्ट्रेस ले लेंगे। और डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने को मना किया है। एक तो गर्मी ने अलग आतंक मचाया है, बड़ी दादी को एसी की आदत है। क्या करेंगे दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी के बिना कहीं उनकी हालत और ना बिगड़ जाए। हेलो, हाँ बोलो। क्या 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 क्या? एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। हमें इस गांव को हर हाल में छोड़ना ही होगा। हेलो, हाँ हमें लेने आ जाओ। दादी मैं इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हूँ? जरूर किसी मुसीबत में, और हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। वो जरूर कोई ना कोई राज छुपा रहे और मुश्किल में, लेकिन उनकी बहू होने के नाते हम अपनी दादी माँ पर एक आज भी नहीं आने देंगे।
दादी माँ इतनी रात को यहाँ क्यों आई है? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.